हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ठीक है, वाला नहीं करा तो समय हो गया है, सुबह के 9:30 बज गए हैं एंड मैं पी रही हूँ चाय एंड ये खा रहे खाना। बट इनको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये खाना खा रहे, कह रहे मुझे मत दिखाना। तो आज है इनका बर्थडे, हम लोग बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं और हम जा रहे हैं मंदिर। अनवी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? तो अनवी को फटाफट से रेडी होके निकलते हैं हम लोग मंदिर के लिए। चलो अनवी। एंड मैंने वियर किया है ये, ये देखते हैं कैसी लग रही हूँ मैं आज, कमेंट करके बताइए। और मैंने अनवी को रेडी कर लिया है एंड हम निकल रहे हैं अब मंदिर के लिए। हम नीचे जा रहे हैं एंड हम जाएंगे मंदिर। चलो 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 चलो। तो मुझे कहाँ घुमाने ले जा रहा था मैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सब निकल रहे हैं, मैं, अनवी और उनके पापा तीनों लोग बाइक से जा रहे हैं मंदिर। एंड सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है, चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा एंड पड़ी, वो बहुत ही अच्छा फील करी। एंड सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा, सुबह सुबह मंदिर जाने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो ये बाइक से देख सकते हैं मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ पर क्या किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ पर ये देखो हम लोग आए हैं मिठाई लेने। क्या लेने आए हैं? मिठाई लेने। चलो चलो ये देखो। हाँ डालोगी? देखो बताओ ये देखो कितनी सारी कैंडी है। चलो अनवी, अनवी क्या खाएगी? अनवी को जबरदस्ती तैयार करके मैं ले आई हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं रही, इसलिए इसका सोने का समय है। अभी वो 11 बजे तक सोती है। ये देखो अनवी के छोटे छोटे रसगुल्ले, ये देखो छोटे छोटे रसगुल्ले। हेलो, तो हमने परचेज किए अनवी के लिए छोटे छोटे रसगुल्ले एंड चॉकलेट्स। अनवी ये लो इधर, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट। तो ये हम आ गए हैं मंदिर में। चलिए ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो इधर। चलो अनवी हाथ जोड़ो। तो ये हमने हनुमान जी के दर्शन किए एंड हम अब हम आगे जा रहे हैं। एंड अनवी को भी मैं साथ साथ दर्शन कराते चल रही हूँ। अनवी इस मंदिर में अक्सर आया करती है। तो ये देख सकते हैं दुर्गा माता जी का मंदिर है ये। ये देखो 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 ये देख
जय माता का बोलो, जय माता। ये क्या दिक्कत है तुमको? आओ चलो, हो हम लोग आ गए जय माता करने। चलो वो देखो, वो देखो, वो देखो। एंड जैसा कि शाम का समय हो गया था, 5 बज गए थे एंड मुझे चाय पीनी थी, तो चाय के साथ कुछ खाने के लिए तो मैंने भी बनाया है डिलीशियस पोहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप पोहे की रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं किसी दिन आपको पोहे की रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये पास से देख सकते हैं पोहा कितना यम्मी लग रहा है। मैंने इसमें मूँगफली के दाने नहीं डाले हैं, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को मूँगफली के दाने से एलर्जी है, तो इसलिए मैं उनके में नहीं, मैं अलग से अपने में ऐड कर लूँगी, इसलिए मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं, देख सकते हैं। तो पोहे बनके रेडी हो गए हैं। अब हम पोहे और ये चाय के साथ हम इंजॉय करने जा रहे हैं, एंड आप भी आइए पोहे इंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो चाय पीने के बाद मेरा सूप पीने का मन हो गया, 7 बज गए हैं, तो इतनी जल्दी सूप कैसे बनाऊँ, तो इसलिए मैंने नॉर का मंचूरियन कपा सूप लिया है, जो कि 5 मिनट में सिर्फ बन जाता है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको आज साथ साथ सूप की रेसिपी बताती हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। तो इस पानी ऐड कीजिए, मैंने आधा कप पानी लिया है, ये बड़ा कप है। पानी तो डाल दिया एंड गैस ऑन करना तो मैं भूल ही गई, तो मैंने कैमरे को रख दिया है एंड अब मैं ऑन करती हूँ गैस। गैस ऑन किए बिना सूप कैसे बनेगा, कुछ भी। तो मैंने गैस ऑन कर ली है एंड अब मैं अपना ये सूप इसमें ऐड करने जा रही हूँ। तो फटाफट से मैंने ये सूप को एक कैंची से कट कर लिया है, एंड आपको अगर एक लोगों के लिए बनाना है तो एक पैकेट ये पूरा बड़े कप के लिए सफिशेंट होगा। एंड ये देख सकते हैं मैंने ये ऐड कर दिया है सूप का, ये पाउडर फॉर्म में होता है एंड नॉर का है, तो नॉर का तो वैसे भी सूप काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये मंचूरियन सूप है नॉर का, एंड देख सकते हैं हमारा सूप बॉइल्ड होना स्टार्ट हो गया है, बस ये बनने ही वाला है। एंड क्या करूँ, टाइम नहीं कटता है, तो मैंने सूप के साथ साथ आज चम्मच बजाना भी सीख लिया। इतने वेले लोग हो गए इंडिया में। सूप बन के रेडी हो गया है एंड ये अब मैंने सूप को एक कप में ट्रांसफ़र कर लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा ये सूप जो है वो रेडी हो गया है एंड मैं ये सूप पीने के लिए आ गई हूँ अपनी बालकनी में। तो जैसा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं बालकनी में पीने के लिए आ गई हूँ आराम के साथ, मौसम के साथ गर्मा गर्म सूप इंजॉय करूँगी। टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत गर्म है इसलिए मैं चम्मच से, हालांकि इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये बना बनाया सूप आता है, बस पानी ऐड कीजिए, सूप ऐड कीजिए, बस बन जाता है, बहुत ही आसान होता है, 5 मिनट के अंदर आ जाता है। कि आपने देखा मैंने वीडियो बनाते बनाते सूप पूरा ही कंप्लीट कर लिया है बनाते, एंड बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और देख सकते हैं ये जिस कप में मैं ये पी रही हूँ, ये मैंने इन्हें एनिवर्सरी पे गिफ्ट में दिया था, ये देख सकते हैं, इसमें हमारी शादी की फोटोग्राफ प्रिंट है। ऐसा मैंने 2 कप बनवाया था, एक इनके लिए और एक अपने लिए। यहाँ से सूप पीजिए तो सूप का मज़ा डबल हो जाता है, ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियोस आगे भी देख पाए। मिलते हैं, बाय बाय। हाथ में सूप है, 1 मिनट इसको सूप कर रखती हूँ ये। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। करो तुम, करो 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 करो।